नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS Knowledge हम में। आज मैं आपके लिए एक रिक्रूटमेंट की जानकारी लेकर आया हूँ जो इंडिया पोस्ट में उत्तर प्रदेश सर्किल के लिए, जो इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक होगी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हुई है। उस अधिसूचना को लेकर के मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताने वाला हूँ, कौन कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या इसकी अर्हताएँ हैं, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी हैं जो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा भरने का, किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन होगा और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या इसकी जो भी इसकी लिमिटेशंस हैं, डिलिमिटेशंस हैं, वो सारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। बने रहिए हमारे साथ MS Knowledge Hub। देखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़ी महामारी समय फैल रही है, कोरोना वायरस। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप घर पर रहिए रहिए और जो सरकार के जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते रहिए और समय समय पर जितनी भी अधिसूचनाएं सरकार की तरफ से जारी होती हैं आप कोरोना वायरस से बचने के लिए, उसके बचाव के लिए उसका पालन करें। और आप घर पर बैठकर ही हमारी वीडियो का आनंद लीजिए। हम समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण वीडियो डालते रहते हैं जिससे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। और जितने भी रिक्रूटमेंट के लिए जो भी बेरोजगार लोग हैं जो भर्ती की तलाश में थे, वो उत्तर प्रदेश के जो ये पोस्ट ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती निकली है, इसमें 10वीं 12वीं पास है। मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। ये फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है 23 मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ है और जिसके जो अंतिम तिथि होगी वो 22 अप्रैल 2020 होगी। इसका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और क्या क्या इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। मैंने इसका नोटिफिकेशन देखा है, इसमें नोटिफिकेशन में कहा गया है साहब जो इसकी जॉब प्रोफाइल्स होंगी, इसमें जो भर्तियां हैं वो ग्रामीण डाक सेवक की सेवकों की भर्ती है जो उत्तर प्रदेश सर्किल में दी गई हैं। ये स्टार्टेड है हमारा 23 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, आप इसको फिल कर सकते हैं। मैं जैसे इसको फिल करना है उसके बारे में बताऊंगा। जॉब प्रोफाइल क्या है डाक सेवकों की, तो देखो जॉब प्रोफाइल में उन्होंने साफ कहा है, तो ये जो जॉब है इसमें जो ग्रामीण डाक सेवक होंगे उनका कार्य होगा स्टाम्प को कलेक्शन करना, उनकी सेल करना या स्टेशनरी जितना भी स्टेशनरी का वर्क होता है उसको कलेक्शन करना, डिलीवरी करना, मेल जितने भी लेटर्स होते हैं उन्हें वहाँ तक पहुँचाना, या पोस्ट मास्टर के असिस्टेंट के तौर पर, या हेड पोस्ट मास्टर होगा और जो सब पोस्ट मास्टर होते हैं उसके असिस्टेंट के तौर पर बन के वहाँ इन्हें रहना है और इनके दिशा निर्देश में काम भी कर रहे हैं। और जो भी जितने भी पोस्ट आती हैं डाक से, जितने भी बंडल बनते हैं, बैग हो या कुछ भी हो, उनके जितने भी तैयार होते हैं, ये सब की जो जिम्मेदारी रहेगी वो GDS यानी ग्रामीण डाक सेवकों की रहेगी। चाहे वो बंडल हो रिलेटेड RSM में, जितने लाइक क्लोजिंग ओपनिंग बैग्स हो, ट्रांसपोर्ट यानी कि जितने भी बैग वहाँ बनते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करना, इधर से उधर सामान रखना, मतलब ये इंटर हाई स्कूल से हाई स्कूल या इंटर पास के लिए है, तो ज़्यादा बड़ी इसमें पोस्ट तो देंगे नहीं, तो इतने ही सेवकों की भर्ती के लिए इसमें इतनी वर्क प्रोफाइल में बताया गया है। अब इसका TRCA क्या है, जितनी इसका अलाउंस मिलना है, तो जो ग्रामीण डाक सेवक है उनका 10,000 पर मंथ के हिसाब से अलाउंस मिलेगा। और इसमें जो ड्यूटी के आवर्स दिए गए हैं 4 आवर्स लेवल फर्स्ट के लिए हैं और 5 आवर्स हैं लेवल टू के लिए, इसमें 12,000 का पेमेंट होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए एज के लिए जो बताया गया है इसमें कितनी कितनी पोस्टें हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगा इसके बाद में, पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एज का क्राइटेरिया क्या है। तो देखो एज में क्या है, जो 23 मार्च 2020 को अधिकतम एज 18 से जो 40 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष ना हुई हो और 18 से कम तो भर ही नहीं सकते, 18 से लेकर 40 वर्ष, और 40 वर्ष बाद वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर वो SC ST या किसी भी रिजर्वेशन कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो SC ST के लिए इसमें अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट रहेगी, OBC के लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी, और जो EWS कोटा होता है इसमें कोई छूट नहीं है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है ये जो जनरल वाले कैटेगरी के लोग आते हैं तो इनमें कोई इसका छूट नहीं मिलेगी। और जो PWD और फिजिकल डिसेबिलिटी होते हैं वो 10 ईयर्स की होती है, इसी प्रकार से इसमें जो अगर OBC से हैं तो उन्हें 13 ईयर हैं और SC ST से हैं तो 15 ईयर, ये 10 ईयर्स जो है जनरल वालों के लिए है जो जनरल के PWD होंगे। उसके बाद इसमें हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें जो सेकेंडरी स्कूल हाई एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क, यानी कि इन आपके जो 10th क्लास में मैथ और इंग्लिश होना चाहिए और उसके साथ आपको बस पासिंग मार्क चाहिए, आप पास होने चाहिए, यही इतना इसके लिए काफ़ी है। और कंपलसरी लैंग्वेज में इन्होंने कहा है कि एक जो लोकल लैंग्वेज जहाँ भी आप पोस्टिंग चाहते हैं या जिस भी लोकल एरिया से आप उसको फॉर्म को फिल करेंगे तो उसकी जो लोकल लैंग्वेज वो आपसे आनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड की, जैसे कि आप UP से ही अधिक के लिए हैं तो UP में हिंदी लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी आनी ही चाहिए, तो ये इसका क्राइटेरिया दिया गया है इसमें लैंग्वेज का। उसके बाद
इन्होंने लिस्ट दी है इसमें जो भी जिस रीजन से भरना चाहता है। फिलहाल भी जो इसमें कर्नाटक और वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश रीजन के फॉर्म निकले हुए हैं, जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है। इस टाइम हम यूपी के लिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो यूपी में तो विशेषकर इन्होंने यहाँ बताया है उत्तर प्रदेश में केवल हिंदी चलेगी। तो हिंदी एक लोकल लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, कि आप कहीं पोस्ट देने जाते हैं या कोई भी वर्क करते हैं तो आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए इन्होंने की है, क्योंकि आजकल जितना भी है डिजिटल वर्क है, जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं सब में डिजिटल वर्क है, और जितना डिजिटल पेमेंट चल रहा है डाकखाने में भी, तो जितने भी डाकखाने होंगे जहाँ भी पोस्टिंग होगी, तो इसके बेसिस पे उन्होंने कहा है कि बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होनी आवश्यक है। द कैंडिडेट फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ GDS रिफर टू अबव विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट एट लीस्ट 16 ड्यूरेशन ऑफ एनी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट। यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड या आपने कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी 60 दिन का मिनिमम आपके पास कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें CCC के लिए कहा गया है, या किसी भी CCC भी अलाउ होगा। और उसके बाद अब अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी अगर कोई 16 डेज का ड्यूरेशन का देते हैं सर्टिफिकेट, तो वही मान्य होगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में देखिए ना कहा गया क्या कहा है, तो रहने का स्थान जो होगा वो कैंडिडेट, जिसमें जितने भी कैंडिडेट को मतलब एंगेज करा जाएगा, अर्थात जितने कैंडिडेट को इसमें चुन लिया जाएगा जो इसमें भर्ती हो जाएंगे, तो उन पे कहा गया है कि जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं जहां उन्हें पोस्टिंग मिलेगी वहां उन्हें बिल्डिंग देनी होगी पोस्ट ऑफिस के लिए। यानी जिस तरीके से बैंकों की अब मिनी ब्रांच खुलती है, उसी तरीके से अब डाकखाने जो होंगे पोस्ट ऑफिस जो होंगे उनकी मिनी ब्रांच गांव-गांव में खुलेंगे, और उसमें आपको एक डाक सेवक के तौर पर रखेंगे। तो आपको प्रोवाइड करानी होगी वहाँ एक बिल्डिंग, चाहे वो बिल्डिंग ग्राम पंचायत की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका अपना हाउस हो, चाहे किराए पर कोई आपने बिल्डिंग ले रखी हो, ऐसा कोई विलेज आप ऐसा आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और वो प्लेस ऐसा होना चाहिए जो गाँव का विलेज बिजी प्लेस हो, अर्थात जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ हो, सबसे ज्यादा लोग केंद्रित होते हैं, जिसे बीच में कहीं भी चौराहा हो या किसी भी गाँव में सबसे ज्यादा लोग जहाँ एकत्रित होते हैं, उस तरीके का एक ऐसा प्लेस आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसमें कहा गया था द कैंडिडेट हु इज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ GDS मस्ट प्रोवाइड एक्यूमुलेशन, अर्थात आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए, यानी कि इस पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच बनेगी छोटी, उस ब्रांच के लिए आपको ये स्थान प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, तो जो ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट होगी BO इसकी शुड बी लोकेटेड इन द मेन बिजी पार्ट ऑफ विलेज, यानी कि गांव के सबसे व्यस्तम क्षेत्र में से वो पार्ट होना चाहिए। और इसका जो साइज भी उन्होंने मेंशन किया है कि लेस देन कम से कम जो लेस देन 100 स्क्वायर फीट प्रेफरेबल और 10x10 डायमेंशन का ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए। इसमें और भी विशेषताएं दी गई अप्रोच कि वहां पर उसका रास्ता अच्छा होना चाहिए, कि वहां उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वहां पहुंचा आसानी से जाएगा, एक बरामदा होना चाहिए, कोर्टयार्ड बगीचा होना चाहिए, किचन होना चाहिए उसमें, और सीढ़ियाँ होनी चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, और जितने भी मतलब जरूरी चीज़ें होती हैं वो सब वहाँ पर उपस्थित होनी चाहिए, और एक बिल्डिंग आउटसाइड ऑफ द विलेज। अप्रोच में बताया है द GDS ब्रांच ऑफिस शुड हैव डायरेक्ट एक्सेस अप्रोच द विलेज रोड, शुड बी लोकेटेड इन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग इन विच इट इज हाउस्ड। ये बोल रहे हैं कि जो बिल्डिंग, जो भी आप बिल्डिंग वहाँ प्लेस करते हैं, जब भी आपने चुनी बिल्डिंग है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए रोड से, अर्थात कोई भी वहाँ गाड़ी आती है किसी तरीके का, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए जो मेन रोड है उसके सामने फ्रंट पे होनी चाहिए बिल्डिंग, यानी कि अंदर जाकर कहीं गलियों में, तो फ्रंट रोड पे ही जो बिल्डिंग स्थित होनी चाहिए। और ये बताया गया है कि मतलब ये बरांडा, कोर्टयार्ड, किचन वगैरह की आवश्यकता नहीं है इसमें। इन द GDS शुड नॉट बी हाउस्ड इन बरांडा, ये कोर्टयार्ड, किचन, इस तरह की चीज़ें का आवश्यकता नहीं है। बेडरूम की इसमें आइसोलेटेड बिल्डिंग आउटसाइड द विलेज, यानी कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं लीजिए जो बिजली से बाहर हो, जिसमें क्या होगा विच आर डिफिकल्ट टू एक्सेस अप्रोच द कस्टमर, जो भी कस्टमर्स होंगे पहुंचने में उन्हें दिक्कत ना हो, ऐसी तरह की आवश्यकता नहीं हो कि वहाँ डैमेज्ड रूम्स हों, ऐसा डैमेज रूम नहीं होना चाहिए, बेडरूम नहीं होने चाहिए ये सब, और ऐसे आइसोलेटेड बिल्डिंग ना हो कि आपने गांव से बाहर कहीं खेत में या किसी भी जगह पर बना रखी है, तो वो भी नहीं चलेगी इसमें। ये सब चीज़ तो बाद की हैं, आप पहले इसमें अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई करने के बाद आपका आप सिलेक्शन होता है, तो ये बिल्डिंग सर्च करने में कोई आप ज़्यादा भारी बात नहीं है, किसी भी गाँव में ऐसा बिल्डिंग मिल जाती है, जरूरी नहीं है आपकी अपनी हो, आप गवर्नमेंट की भी कोई बिल्डिंग देख सकते हैं। वहाँ पावर सप्लाई होनी चाहिए, बिजली की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए इस बिल्डिंग में, और उसके बाद जो इसमें जो है इंटरनेट प्रोवाइडर हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित होनी चाहिए कि नेटवर्क प्रोवाइड कराया जा सके, इस तरीके से वहाँ इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी इसकी अर्थता है कि
आपको एक नॉलेज ऑफ साइकिलिंग यानी साइकिल चलानी आनी चाहिए, ये तो बहुत नेसेसरी है। जो भी ग्रामीण डाक सेवक होते हैं उनसे साइकिल तो बेसिक ही मांगती हैं, तो जो भी साइकिल हो वो आपसे चलानी आनी चाहिए। राइडिंग स्कूटर और मोटरसाइकिल इट मे बी कंसिडर एज द नॉलेज ऑफ साइकिल, अर्थात साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए। आप चलाने को चाहे मोटरसाइकिल स्कूटर भी चला सकते हैं अगर आपकी सुविधा के अनुसार। एक शर्त इसमें रखी गई स्कूटनी की, इसमें यह है कि आपको सिक्योरिटी जमा करनी होगी। अगर आप के एंगेजमेंट होता है अर्थात आप इसमें चुन लिए जाते हो और आपका नाम इसमें आ जाता है तो आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी होगी, जो कि आपको बाद में मिल जाएगी। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी आपको इसमें जमा करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका इसमें जो निश्चित माना जाएगा, जिससे कि आप कहीं बीच में से छोड़ कर ना जाएं। तो क्योंकि आपको एक छोटी ब्रांच का वो हेड बनाने वाले हैं गांव में, तो इस वजह से 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखी है। 1 लाख रुपए सिक्योरिटी ऐसा है कि ये आपको वापस कर दी जाएगी आपको कुछ समय बाद। अब मैं बताता हूँ इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखा सकता हूँ उसमें कैसे फॉर्म फिल होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो इस वजह से मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। और अधिक जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा पीडीएफ का, आप वहां से जाकर भी इस पीडीएफ को अच्छे से देख सकते हैं। कोई भी आपको इक्वायरी हो, आपकी कोई जानकारी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको वहां पर जवाब दे दूंगा। देखिए इसमें आपको अप्लाई करने के लिए इसका लिंक दिया हुआ है, इसमें ये लिंक मैं आपको इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप वहां से क्लिक करेंगे और ये जो लिंक एक्टिवेट रहेगा 23 मार्च से 22 अप्रैल तक। उसके बाद आपको इसमें क्या होना, अपना नेम कैपिटल लेटर में फिल करना है एज ए जैसे मार्कशीट होती है 10th क्लास की, उसके अनुसार बिल्कुल फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और ये सब इसमें जो चीज़ें यहाँ नेसेसरी है ये आपको भरना है। ये आपका सर्टिफिकेट रोल नंबर है, आप सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर जो भी है उसमें डाल सकते हैं इसको। और फीस का जो सिस्टम रहेगा इसमें, एप्लीकेंट जो अगर अदर करता है जनरल ओबीसी इस कार्ड से आता तो 100 रुपीज़ है, आके अगर एससी कैटेगरी से, अगर एसटी कैटेगरी से, इसमें कोई फीस नहीं है उनके लिए, इसमें रिजर्वेशन की वजह से फीस नहीं है, केवल 100 रुपीज़ लगेंगे, वो भी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या जो अदर जनरल कास्ट जो है उनके लिए। और पेमेंट ऑफ फी इज एक्सपेंडेड फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट वेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। जिस तरीके से जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे, चाहे वो जनरल के हों, उसी तरीके से महिलाएं भी, चाहे वो जनरल किसी की भी हों, तो उसके लिए भी कोई फीस इसमें नहीं लगने वाली है। और इसमें जो है आपको ये अपने हाई स्कूल की मार्कशीट इसमें अपलोड करनी पड़ेगी फॉर्म में, अपने डेट ऑफ बर्थ के तौर पे, आप डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हाई स्कूल की मार्कशीट जो सर्टिफिकेट होता है उसको अपलोड कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें इसमें आपको भर के फिल करके अपलोड करनी पड़ेगी। मैं इसके लिए आपसे अलग से बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लेना कैसे कैसे फॉर्म फिल करके भरा जाएगा। इसमें फोटो सिग्नेचर आपको इसके डायमेंशन दिए हैं, इन डायमेंशन के इतने इतने साइज का आपको फोटो फिल इसमें कर रहे हैं। अब इसके लास्ट में आपको बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके से जो ग्रामीण डाक सेवा पोजिशन है इसमें क्या पद हैं और किस तरीके से सर्कल दिए गए। जो उत्तर प्रदेश में जो 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हर 75 डिस्ट्रिक्ट में सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हर सब डिस्ट्रिक्ट में जाकर गाँव होते हैं। उन विलेजेस में अलग अलग बताया गया है कि किस विलेज में कहां पर ये पोस्ट है फिलहाल के लिए। तो मैं यहां एक जिला ले लेता हूं, मैं बिजनौर से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपने बिजनौर जिले के बारे में बता देता हूं आपको। और जो भी आप जहां से बिलोंग करते हो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं कौन कौन से गाँव के लिए पोस्ट ये हैं, और आप वहां से इसको देख करके फिल कर सकते हैं। मैं आपको बिजनौर के बारे में बताता हूं। बिजनौर जिले में जो है सब डिस्ट्रिक्ट चांदपुर में गाँव के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे इन गाँव में जो दत्याना है जैसे, तो इसमें क्या है, ए हिमपुर बुजुर्ग है, पिपलीजट है, वो सारे गाँव हैं यहाँ पर। इन गाँव में क्या होगा, एक गाँव में एक ही पोस्ट होगी, यानी कि एक गाँव में एक ही पोस्ट ऑफिस की ब्रांच होगी, उसमें गाँव के हिसाब से उन्होंने बांट दिया कैटेगरी का। जैसे किसी ओबीसी वाले को फिल करना है वो अधिकतम 5 पोस्ट ऑफिस में फिल कर सकता है, अधिकतम 5 ऐसे गाँव चुनने हैं उसको जहाँ वो अपना पोस्टिंग चाहता है। मगर जैसे कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो वो ओबीसी कैंडिडेट केवल उन्हीं में कर सकता है, मतलब जनरल कैंडिडेट तो जनरल वाले में फिल करेगा ही, ओबीसी वाला तो चाहे जनरल वाले में चाहे ओबीसी वाले में दोनों में फिल कर सकता है। और इस तरीके से दिए गए हैं, आप अपनी जो इस पूरे को जहाँ भी ऐसे भी आप अप्लाई कर रहे हो, जिस राज्य से भी, जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट में जाकर के सब डिस्ट्रिक्ट चेक कर करके पीडीएफ को मैं डाल दूंगा, उसमें देख करके फिल कर लेना कि आपके जो गांव में कौन सी, आप अपने निजी गांव में चाहते हैं तो आपके गांव में कौन सी पोस्ट है। हो सकता है कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो मगर वहाँ ओबीसी के लिए है तो आप उसे फिल नहीं कर सकते, और कोई एससी का कैटेगरी का है और वो
एससी कैटेगरी वाला चाहे फिल कर सकता है ओबीसी और जनरल के लिए भी। तो ये सब इसमें ब्यौरा दिया गया है। टोटल जो पोस्टें दी गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश सर्किल में, वो जो दी गई हैं 3,951 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें से कि जो कम्युनिटी वाइज बताया गया, जो EWS है उनके लिए 314 है, OBC के लिए 1,000 है, और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 1,814 है, और जो अलग अलग कैटेगरी SC के लिए तो 750 है और ST के लिए हैं 11 सीट। तो ये जो हैं पोस्टें दी गई, इन पोस्टों पे फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आप समय रहते हैं जो अपने 22 अप्रैल से पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, और कोई भी जानकारी से रिलेटेड हो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वहाँ से बता दूंगा। और मैं इसके संदर्भ में एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जल्दी, जिसमें कि हम जो फॉर्म फिल करके दिखाएंगे आपको कि कैसे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या इसकी सिस्टम रहेगा। इससे संबंधित कोई भी और आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक है मैंने इसमें दिया है, आप उस टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है MS नॉलेज हब के नाम से, वहाँ पर भी आप हमारी क्वेरी ले सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम समय समय पर इस तरीके की जो रोचक वीडियो होती हैं, जिसके रिकमेंड्स हो या आपके नॉलेज के लिए हो या और भी कोई रोचक वीडियो हो, उनके हम समय समय पर डालते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।